श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस बार जन्माष्टमी 2 सितंबर को पूरे देश में मनाई जाएगी। कई जगह इसको 3 सितंबर को भी मनाया जाएगा। इसका दिन का काफी ज्यादा महत्व हो जाता है। कहा जाता है जो सच्चे मन से भगवान कृष्ण की पूजा करता है उसकी सभी कलेश दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वह एक दिन पूर्व समय ही भोजन करते हैं। व्रत वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भक्त पूरे दिन उपवास रखकर अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के खत्म होने के बाद व्रत का पारण का संकल्प लेते हैं। भादों का महीना भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए महत्व रखता है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में हुआ था। इस बार अष्टमी 2 सितंबर 2018 को रात्रि 8:47 से 3 सितंबर 2018 को सायंकाल 5:19 तक रहेगी। अधिकतर कृष्ण जन्माष्टमी को 2 अलग अलग दिनों पर मनाया जाएगा। जब जब ऐसा होता है तब पहले दिन जन्माष्टमी स्मार्ट संप्रदाय के लोगों के लिए और दूसरे दिन वाली जन्माष्टमी वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए होती है, जो कि इस वर्ष भी 2 दिन पड़ रही है, जिसमें प्रथम दिन अर्थात 2 सितंबर को स्मार्ट की होगी और 3 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय की मनाई जाएगी। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश के पौधे।